अब एक काम करता हूँ, जयेश, सर। आपने सॉल्व किया ना सम? ठीक हाँ है, तो आप अपने आप को अनम्यूट मत करो, ठीक है। सबसे ओके। पहले अकाउंट आपने कौन सा बनाया है बोलो? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या रिकॉर्ड कर दें? ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास जयेश, यस, हाँ, कितना है बोलो? 8,700। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बोला? थोड़ा 8,700। जोर से बोलना है, हाँ, एक मिनट। 8,700। 8,700। हम्म। ये हमारे पास स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया था, सबने डेबिट में लिखा है, ये लेजर का ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। अच्छा जयेश, इसके बाद क्या लिखा है बताते जा, डेबिट साइड मुझे कितना टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट अमाउंट? 57,600। 57,600। फिर क्रेडिट साइड बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 54,700। बाय फिर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 2,500। और बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 200। बस वेजेस कंट्रोल अकाउंट अभी। अच्छा, इसमें इतना ही है ना हाँ, इतना ही है। सबका? ये राइट है स्टूडेंट्स? ओके, अब कास्टिंग करना सीखना है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट मतलब मटेरियल का अकाउंट, कौन सा मटेरियल? रॉ मटेरियल, इसका कास्टिंग सीख रहे हैं। टोटल करते हैं, अब टोटल जयेश डेबिट साइड का बता कितना आ रहा है? अभी तक ओके गए बिटकॉइन 66,300। 66,300। तो हमने टोटल मटेरियल परचेज किया है 66,300। इसमें से क्रेडिट साइड में जो इशू किए वो माइनस कर दो स्टूडेंट्स, तीन फिगर है, कितना आंसर आ रहा है जयेश? 8,900। 900 8,900। मतलब इतना मटेरियल हमारे पास बच गया। देखो स्टूडेंट्स, अब एक बार समझो, ये क्या था? ओपनिंग स्टॉक, इतना मटेरियल आपके पास पहले से था, फिर आपने ये खरीदा, टोटल हुआ 66,300। इसमें से आपने डायरेक्ट मटेरियल इशू किया था वर्क इन प्रोग्रेस को इतना, फिर इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया था फैक्ट्री को इतना, फिर आपने सप्लायर को रिटर्न किया इतना, ये सब मटेरियल जाने के बाद इतना मटेरियल आपके पास बच गया। तो क्या है ये? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। क्या है ये? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन, क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। ब्रैकेट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, समझा? अब यस। मुझे बताओ, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आप लोगों के लिए एसेट है कि लायबिलिटी है जयेश?
लाइबिलिटी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लाइबिलिटी होता है, सॉरी एसेट, एसेट एसेट, ये हमारे लिए क्या है एसेट। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, और ये कौन से साइड है, क्रेडिट। तो ये डेबिट बैलेंस हुआ कि क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस है। सब स्टूडेंट्स ध्यान दो, जयेश आप भी ध्यान दो बेटा इस चीज से। ओके मैं फिर से बता रहा हूं, ये ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस, ये हमने परचेज किया, टोटल हमारे पास मटेरियल आया 66,300, जिसमें से हमने वर्क इन प्रोग्रेस को डायरेक्ट मटेरियल इशू किया, फैक्ट्री ओवरहेड्स को इनडायरेक्ट मटेरियल इशू किया, सप्लायर को मटेरियल रिटर्न किया, ये मटेरियल हमारे पास बच गया, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये वो मटेरियल है जिसको हमने यूज नहीं किया, ये हमारे पास बच गया। सृष्टि बेटा स्क्रीन पे ध्यान दो, ये वो मटेरियल है जो हमारे पास बच गया, जिसको हमने यूज नहीं किया, ये है कौन से साइड, क्रेडिट साइड। बट स्टूडेंट्स ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। क्या है ये, डेबिट बैलेंस। कैसे डेबिट बैलेंस, आप बोलोगे सर आपने क्रेडिट में लिखा है फिर आप इसको डेबिट बैलेंस कैसे बोल रहे हो, आप देखो बेटा टोटल कौन से साइड में ज्यादा है, टोटल डेबिट में ज्यादा था 66,300, जिसमें से क्रेडिट साइड माइनस किया तो आपके पास बच गया 8,900। कौन से साइड बचा, डेबिट साइड, ज्यादा अमाउंट किधर है, डेबिट में, तो बचत किधर हुई, डेबिट में। फिर हम इसको क्रेडिट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि टोटलिंग करने के टाइम पे टोटल सेम आना चाहिए, तो इसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। अच्छा मैं अभी आपसे एक बात पूछता हूँ जयेश। यस सर। हाँ ये क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ अब ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। हाँ तो इसको मैं किधर लिखूं, डेबिट साइड। वेरी गुड, क्या सबको पता ही है, हाँ ये चीज सबको मालूम है, इस महीने का क्लोजिंग है तो ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग इधर आएगा डेबिट में। क्यों डेबिट में आएगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। क्या है ये, डेबिट बैलेंस, बट ये लिखा किधर है, क्रेडिट साइड, समझा। तो ये लाइबिलिटी नहीं है, क्या है ये, एसेट है। क्या है ये, एसेट। और ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट में लिखा वो समझा सबको, गुड। अच्छा अब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, हाँ सभी लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया ना, हाँ चलो लिखो ट्रायल बैलेंस के अंदर फर्स्ट लाइन पे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट कितना लिखना है बताओ, 8,900। कौन से साइड लिखोगे, डेबिट की क्रेडिट, डेबिट साइड। वेरी गुड, डेबिट साइड। कौन से साइड, डेबिट साइड, 8,900 और क्रेडिट में डैश। इसको ट्रायल बैलेंस में क्यों लिखा, क्योंकि आपका एसेट है, तो ट्रायल बैलेंस में एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है। इसका कास्टिंग समझा सबने, किसी को कोई डाउट, नो डाउट, आगे बढ़ो जयेश। इसके बाद हमने सेकंड अकाउंट कौन सा बनाया बेटा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ओके वेजेस कंट्रोल अकाउंट, अब बताओ इसमें क्या क्या लिखा है मुझे डेबिट साइड में, पहले टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल
अकाउंट कितना? 62,100 ठीक है। क्रेडिट साइड बोलो, बाय वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट कितना? 38,600 फिर बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 9,500 बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 9,700 बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 4,300 और कुछ है इसमें? नहीं, तो सबका ये राइट है स्टूडेंट्स, वेजेस कंट्रोल अकाउंट श्योर ना? डाउट है तो प्लीज पूछो। चलो सबका राइट है, गुड। हाँ चलो जयेश, अब इसका टोटल कर दें। क्रेडिट साइड का 62,100 दोनों साइड का सेम है। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखो, वेजेस कंट्रोल अकाउंट टैली होता है, जितना आपने पे किया उतना आप डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे। ये अकाउंट हमेशा टैली होगा, इसमें बैलेंस मिलने वाला नहीं है। क्यों? जितना वेजेस पे किया उतना पूरा का पूरा ट्रांसफर किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। देखो इसमें आपने पे कितना किया, 62,100, इसमें से